शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान पर लगातार लोगों द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। राज्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ कई दिग्गज नेता भी इस फिल्म के बैन करने को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। अब इस बीच एमपी के विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान का समर्थन करता हूं। आखिरकार एक ही धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है? उनमें हिम्मत है तो पैगंबर पर पिक्चर बनाकर हरे रंग के कपड़े का वीडियो दिखाएं। नहीं, मैं भी समर्थन करता हूं। एकदम से नहीं चलने देना चाहिए। आपकी जो तबीयत हो परोसेंगे, और मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ इसी तरह की कोई फिल्म एक पैगंबर में बना करके चला लो उसको व्यक्ति आजादी के नाम पर, पूरे दुनिया में खून खराबा हो जाएगा। और आपने कई बार देखा होगा कहाँ कनाडा के भीतर कोई हो गया पैगंबर के खिलाफ किसी, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, हो गया पूरी बम्बई जल गई और 100 करोड़ का नुकसान कर दिया गया। यहाँ हो घटना होती है वहाँ। और ये अभी हिजाब का सवाल आया तो वही लोग क्या जवाब दे रहे हैं? ये जवाब दे रहे हैं कि ईरान का मसला, इराक का मसला, हमसे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तो जब कनाडा में हो गया, जब तुमको जलाना था तो तुम्हारा मतलब था, अब तुम्हारे खिलाफ उससे हमारी लड़कियां खड़ी हो गई कि हिजाब हम नहीं पहनेंगे, और ईरान में जिहाद छेड़ दिया उन लोगों ने इसके खिलाफ, ये जो अन्याय उनके साथ हो रहा, तो उसको कह रहे हो बार बार मैं टीवी में देखता हूं, साहब वो तो ईरान का मसला, हमारा मसला नहीं है, तो कनाडा का मसला तुमने अपने साथ कैसे जोड़ लिया? वहीं इस बीच उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी फिल्म का विरोध करते हुए कहा कि समय बदल रहा है और बॉलीवुड के तमाम एक्टर को समझना पड़ेगा, यदि हमारी संस्कृति का आघात करते हैं तो ये देश और मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, और हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति को ये नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को तो हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है, इनका बहिष्कार होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले भी कई दिग्गज नेता फिल्म के विरोध में अपनी आवाज रख चुके हैं। ये विरोध पठान के पहले गाने बेशरम रंग को लेकर हो रहा है, जिसमें दीपिका पादुकोण भगवा रंग की बोल्ड ड्रेस पहने दिख रही हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वही ये मूवी 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है।